चंदौसी में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन चंदौसी स्थित आशीष गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद व विशिष्ट अतिथि दीपमाला संतोषी, क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राखी सिरोही, मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह, विशिष्ट अतिथि दीपमाला संतोषी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में आगामी चुनाव 2022 की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा भी पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारी कर रहा है तथा उत्तर प्रदेश में पुनः पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का प्रण लिया है। महिला मोर्चा की टीम जिस तरह महिलाओं को अपने साथ जोड़ने और भाजपा को जिताने के लिए मेहनत कर रही है, उसे देखकर लगता है कि इस बार महिलाओं का भी अच्छी संख्या में वोट बीजेपी को मिलेगा। विशिष्ट अतिथि दीपमाला संतोषी ने कहा कि महिलाएं भी आज पुरुषों से कम नहीं हैं। जितना जोश बाकी मोर्चों में है, उतना ही जोश महिला मोर्चे में भी है। 2022 के चुनाव की तैयारी हम पूरे जोश और तन मन धन से कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे महिला मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन हो रहे हैं। आज यहाँ की जो जिलाध्यक्ष हैं संभल की, राखी सिरोही जी, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया है। इससे हम सभी बहनों को एकत्रित करके मोदी जी और योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को से अवगत कराया गया है। साथ ही साथ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से भी सभी बहनों को आह्वान किया गया है कि सभी को कमर कस लेनी है और चुनाव में हमारे मोदी जी को के हाथ जो है हमें मजबूत करने हैं और योगी जी को दोबारा लेके आना है। मैं यहाँ की प्रभारी हूँ जिले की संभल की। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी बहनें इतनी सशक्त हैं कि आज जो सुरक्षित हैं मोदी सरकार योगी सरकार में सुरक्षित हैं, और जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं भारत सरकार की उसमें बहन हमारी बहुत खुश हैं। अब देखिए खुले में शौच जाती थी कितनी बहनों को परेशानी होती थी, लकड़ी गीली जलाती थी कितनी बहनों को परेशानी होती थी। आज हमारी बहनें बहुत खुशी से जिंदगी जी रही हैं और बहुत अच्छे से अपना परिवार चला रही हैं। प्रदेश में यदि योगी सरकार आती है तो कितनी प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की रहेगी? पूरी 100% भागीदारी महिलाओं की रहेगी, हमारी कम नहीं रहेंगी। हम बहनें रानी लक्ष्मी बाई हैं और बहनें इतनी सशक्त हैं कि हमारी बहनें कोई भी हम और खुद बनाना चाह रहे हैं अपनी बहनों को सशक्त। हमारी बहनें देखिएगा इस समय जंगल में जाती है, सुरक्षित रहती हैं। और सरकारों में ये कहते थे भाई लड़कों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती, बच्चे गलती करते हैं। अरे भाई बच्चे कैसे गलती करेंगे, संस्कार ही नहीं दिया आपने तो कैसे गलती करेंगे। तो गलती उनकी इस तरीके से गलतियाँ करते रहते हैं और अपनी सरकार को कहते कि हमारी महिला सशक्त बनाने जा रहे हैं हम सरकार को।